बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स। आज आपके साथ स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की न्यूज़ शेयर करनी है। इसके मुताबिक जो है वो कोशिश ये की जाएगी कि अब छुट्टियाँ आप लोगों को दे दी जाएंगी 15 तक। तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि जिस बच्चों ने असाइनमेंट क्रिएट नहीं की, असाइनमेंट नहीं बनाई, तो आपके पास मज़ीद छुट्टियों तक की उम्मीद है। ठीक है, आप लोग कहोगे कि आपको क्या प्रूफ दूँ, तो आप लोग मेरे सामने इस टाइम प्रूफ देख सकते हो। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशल हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से 23 जुलाई को ये नोटिफिकेशन शेयर हुआ है। आई डोंट नो ये ऑफिशियल है या फेक है, अभी इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं मिल सकी। इन द कम्प्लेंस ऑफ कैबिनेट कमेटी COVID-19 फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन इन हेयर बाई इशूज द कंसर्न ऑल पब्लिक एंड प्राइवेट मेडिकल यूनिवर्सिटीज कॉलेज डेंटल कॉलेज नर्सिस कॉलेज फार्मेसी अलाइड साइंस स्कूल एंड कॉलेज रिमेन क्लोज 15 अगस्त फॉर ऑल स्टूडेंट्स। ठीक है, तो ये 15 अगस्त तक यहाँ पर तो इसी तरीके से क्लोज कर दिया गया है। दूसरा जो कराची में वेरियंट न्यू जो है वो कराची में रेशो 20 तक चली गई है, तो इसकी वजह से अब उनका ये होगा कि सबसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट किया जाए और उम्मीद ये होगी कि 15 तक स्कूल्स को क्लोज़ किया जाए ताकि जो चौथी वेव्स कोरोना की आ रही है उसको कंट्रोल किया जा सके। तो अभी फ़िलहाल आप सब में नो डाउट खुशी की आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ भी है। गुड न्यूज़ कह सकते हो या बैड न्यूज़ वो आप पर डिपेंड करता है, लेकिन ज़्यादातर लोग छुट्टियों की तरफ से ज़्यादा खुशी उनको मिलती है क्योंकि गर्मी जो एज़ कम्पेयर टू अगर गवर्नमेंट ये 15 दिन क्लोज़ करती है तो नो डाउट एक अच्छा फैसला होगा। क्यों? क्योंकि गर्मी की शिद्दत बहुत ज़्यादा है। स्कूल जो हैं वहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के स्कूल जो हैं वो बाहर दरख्तों के नीचे भी मौजूद हैं और कुछ स्कूल्स इतने कंजेस्टेड जगह पर हैं जहां पर ज्यादातर बच्चों का बैठना जो है वो पॉसिबल नहीं होता बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से। और जैसे नकसीर वगैरह यहां पर बच्चों में आम है, तो वो गर्मी की वजह से अगर स्कूल्स क्लोज कर दिए जाते हैं तो ये एक अच्छा फैसला होगा। क्योंकि अभी रिसेंटली जब एग्जाम्स बच्चों के लिए गए स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से, तो ज्यादातर बच्चों की 100% रेशियो से बुलाया गया और वो 100% रेशियो से बच्चे बिल्कुल एक ही रूम में कंजेस्टेड होकर बैठे रहे हैं। तो इसी वजह से अब देखा जाता है कि स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट डॉक्टर मुराद रास क्या फैसला करते हैं, ये उन्हीं के डिसीजन पर होगा। अगर 15 तारीख तक जैसे गर्मी का टाइम है स्कूल्स को क्लोज कर दिया जाएगा तो सितंबर में होपफुल अगस्त के एंड में और सितंबर में मौसम ठीक होगा उस सूरत में स्कूल्स को ओपन कर दिया जाएगा और कोरोना की रेशो कम होगी। बट अगर आप ये आगे देखा जाएगा कि क्या फैसला गवर्नमेंट की जानिब से होता है, लेकिन अभी तक उम्मीद यही की जा रही है कि इंशाल्लाह आप लोगों के 15 तक स्कूल क्लोज रहेंगे और जो है वो फिर उसके बाद 15 के बाद इंशाल्लाह आपके स्कूल्स खोले जाएंगे। ठीक है, आपसे सबसे पहले ये न्यूज़ शेयर की है तो काइंडली मेरे चैनल या यू इन्फो को प्लीज़ सब्सक्राइब करोगे और बेल का आइकॉन प्रेस करना नहीं भूलोगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखोगे, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।